हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, आज मैं बहुत खुश हूं। जानना नहीं चाहोगे क्यों? यस, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक प्रूफ, ये एक प्यार जो आप लोगों ने दिया है, जो मैंने आपको 10 से 12 स्ट्रैटेजीज दी थी, उल्टा पुल्टा पार्ट 1, पार्ट 2, सीपीआर के स्ट्रैटेजी, स्टॉक सिलेक्शन के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी की दो स्ट्रैटेजी दी है, पिरामिड स्ट्रैटेजी दी है, 920, 925, 930 स्ट्रैटेजीज दी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नो लॉस ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप लोगों को दी है। उन सभी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, और आप नीचे देख सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं आप नीचे, प्लस लोगों के प्रॉफिट्स देख सकते हैं। डेली बेसिस आई एम गेटिंग मोर देन 250, 300, 350 प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स। सो दिस इज अमेजिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर दिस गाइस। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार बना के रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हमारा जो टारगेट होने वाला है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का होने वाला है। गाइस, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। देखते जाओ मैं आपके लिए और क्या क्या नहीं देने वाला हूं। सो गाइस, आज की स्ट्रेटेजी का नाम है कैमरिला पिवट्स, राइट? इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से जो 90% लूजिंग साइकोलॉजी है, वो 90% लोग सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं लॉस करने का, स्टॉक सिलेक्शन। कि उनको पता ही नहीं है इंटरनेट ट्रेड में, आप T20 खेलने निकले हो लेकिन यू डोंट नो हाउ टू प्ले फर्स्ट बॉल। तो मॉर्निंग में 9:15 पर जब मार्केट खुल रहा है, मैं आपको वो 5 से 10 मिनट के अंदर स्टॉक सिलेक्शन बताने वाला हूं, और लिमिटेड स्टॉक्स मिलेंगे, 2 से 3, 4 स्टॉक्स मिलेंगे, उस पे आप ट्रेड लगाओ, उस पे आप बेट लगाओ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एंड मोस्ट पावरफुल इज ट्रेंडिंग गेम करने वाले हैं। कि जिस लेवल पे लेंगे, या तो गेम ट्रेंडिंग होगा, प्रॉपर ऊपर होगा या प्रॉपर नीचे होगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। आइए, सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बनाएगा आपको मालामाल, यस, मार्क माय वर्ड, मालामाल बोले तो मालामाल। खुद परफॉर्मेंस चेक करो और जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। सो एक हिडन लॉजिक कैमरिला के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? किंग रिसर्च एकेडमी परफेक्ट प्लेस फॉर लर्निंग, जैसा कि हमारा मोटो है, भैया खुद से सीखो और पैसा बनाने की कोशिश करो। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंटेंट्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी में 3 पावरफुल सेटअप इस कैमरिला के बेस पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए MCX की एक स्ट्रैटेजी दूंगा कैमरिला के ऊपर, ठीक है? तो चलिए, स्टॉक्स पे, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, इक्विटी पे, फ्यूचर पे, MCX पे, जहां मन करे आपका वहां पे इस स्ट्रैटेजी को लगाना। और स्ट्रैटेजी देने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि कहां पे आपको जाके प्लॉटिंग होगी, किस तरह से होगा। सो गाइस, सबसे पहले in.tradingviews.com पे जाइए, ठीक है? यहाँ पे FX पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च ऑप्शंस पे आप लिखेंगे PIVOT, ठीक है? आपको दिख रहा होगा मेरे सिस्टम पे पिवट। जैसे ही पिवट डालेंगे, देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगा के, मेरा फेवरेट इंडिकेटर, इसलिए स्टार लगा के रखा हूँ, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, मार्क माई वर्ड, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? ये देखिए आपका पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स पे क्लिक हो गया। अब इसकी सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद ये जो 15 है, नंबर ऑफ पिवट्स बैक, पिछले दिन, उससे पिछले 15 दिन तक दिखाएगा, तो इतना चाहिए नहीं, कचरा चाहिए नहीं अपने को। तो मैक्स टू मैक्स 3 दिन का ले लेंगे, आपको परफॉर्मेंस चेक करना है, 4-5 दिन जितने दिन का लेना लेना, फ्रेश चार्ट बना रहेगा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? बाकी एवरीथिंग इज सेम। टाइटल पे जाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे जाने के बाद ये पिवट पॉइंट्स हटा देंगे, S1 R1 हटा देंगे, S2 R2 हटा देंगे, S3 R3 रहेगा, S4 R4 रहेगा, S5 R5 हटा देंगे, ठीक है? तो ये दो S3 R3 S4 R4 सिर्फ ये 2 पॉइंट्स रहेंगे, बाकी आपका एज इट इज, ठीक है? और ये जो ट्रेडिशनल है, ये तो हम भूल ही गए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था, इसमें हम कैमरिला लगा लेंगे, कैमरिला पॉइंट्स लगा लेंगे और ओके का बटन दबा देंगे, चार्ट इज रेडी,
चार्ट इज रेडी। जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स होंगे उन फेवरेट स्टॉक्स को आप यहां पे लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। यहां पे क्रिएट न्यू लिस्ट आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो नीड टू पे एनी सिंगल पर्सन टू एनी पेनी। बहुत कीमती है बॉस, अपने एजुकेशन के लिए पैसा खर्चा करो, किसी को टिप्स के लिए पैसा नहीं देना, राइट। अब यहां पे आप अपने फेवरेट स्टॉक्स निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स चाहो तो लगा लीजिए स्टार्टिंग में, या 2, 15, 20, 25 जो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे भाई, करीब करीब निफ्टी 50 के पहले आप लगा लो इसमें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाओ, फिर और स्टॉक ऐड कर लेना और कर लेना, जितने मन चाहे उतने ऐड कर लेना, अच्छा काम करेगी, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रैटेजी में, ये लगाना सिखा दिया आपको प्लॉटिंग, क्योंकि सबसे पहले आपका पिछले वीडियो जो मैंने सीपीआर की दी थी, आप लोगों ने यही एक क्वेश्चन किया था कैसे प्लॉट करें कैसे प्लॉट करें, मैंने आपको बता दिया। देखो भाई R3 का ये लेवल आ गया, ठीक है, इसको मिनिमाइज करते, देखो R3 का ये लेवल आ गया, R4 का ये लेवल आ गया, S3 का ये लेवल आ गया, S4 का लेवल आ गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्लॉटिंग हो गई है मेरे बड़े भाई। अब मैं आपको ले चलता हूं स्ट्रैटेजी के पास पे, चलिए। सो हियर व्हाट यू विल फाइंड इंट्राडे लेवल्स फॉर ट्रेडिंग। सबसे बड़ा रिटेलर्स का दुश्मन होता है स्टॉक सिलेक्शन। आपको यही नहीं पता स्टॉक सिलेक्शन कैसा किया जाए, ना किसी यूट्यूब वाला आपको बताएगा स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए। होने के बाद पूरी दुनिया चिल्लाएगी कि ये देखो हमने बोला था, ये देखो हमने कहा था। मेरे बड़े भाई मेरा काम बोलता है 7 से 8 अकाउंट पे ऑलरेडी लाइव अकाउंट पे लाइव लेजर दिखाया है, 1 महीना नहीं 2-2 महीने का 3-3 महीने का लाइव लेजर दिखाया है, 60 डेज जीरो दो चैलेंज दिखाया है, सो दैट आपको समझ में आए किस तरह से हम पैसा बना रहे हैं। और एक यूट्यूब में वीडियो में भाई पूरे जुलाई मंथ में ग्रीन, पूरा जुलाई मंथ ग्रीन है बॉस, कैसे, उसका एक सीक्रेट मैं आज आपको दे रहा हूं मेरे बड़े भाई, फिर बोल रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके प्यार से मैं अपना प्यार आपको देना चाहता हूं। फ्री में सीखो, किसी को पैसा नहीं देना है, जो मैंने पूरा जुलाई मंथ ग्रीन में किया है ना, हाउ सीक्रेट मेथड आज मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल वीडियो भगाना नहीं है, आराम से बैठ के देखो, अगर टाइम है तो देखो, नहीं है तो सेव लेटर कर देना, जब रात को रिलैक्स बैठो तब खोल के देखना भाई, भगा भगा के देखोगे आधी चीज समझ में आएगी आधी चीज नहीं आएगी, फिर कमेंटबाजी करोगे नेगेटिविटी। तो यहां पे थिंक पॉजिटिव एंड ट्रेड पॉजिटिव, राइट। सो इन दिस स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन कैमरेला पिवट पॉइंट्स, इट्स अ गेम ऑफ R3 एंड S3, क्लियर कट बताएं आपको, राइट। R3 एंड S3, सिंपल क्लियर, यहां तक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन दिस स्ट्रैटेजी वी विल कैच रिवर्सल एंड ट्रेंडिंग गेम। कैमरेला पिवट पॉइंट से रिवर्सल एंड ट्रेंडिंग डे दोनों पकड़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको ट्रेंडिंग डे बताने वाला हूं। सुबह सुबह 9:15 से 9:20 का जब मार्केट खुला, उस 5 मिनट में आपके हाथ में 4 से 5-6 स्टॉक सिलेक्शन आ जाएगा, उसी के अंदर रिलैक्स, बिल्कुल सेट रिलैक्स, पूरा टाइम मिलेगा, उसी के अंदर आपको बाई करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू, जस्ट सिट रिलैक्स, ओके। सो एडवांस विद पावर ऑफ स्टॉक्स बताया, द मेन पॉइंट इज व्हेन यू शुड ट्रेंडिंग गेम, कब आपको ट्रेड करना है, यही मैं बार बार पिच कर रहा हूं, ट्रेंडिंग गेम दूंगा, नो ब्ला ब्ला, और कब रिवर्सल है हुआ वो नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। यस, ओपन चैलेंज, इन फर्स्ट 5 मिनट्स यू विल फाइंड द बेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग इन मार्केट। इन दिस स्ट्रैटेजी आई विल टीच यू हाउ टू राइड इन ट्रेंड, ठीक है, ब्रेकआउट कंडीशंस, ध्यान से समझाना, डू यू नो व्हाट हेल्प्स यू टू मेक पॉइंट्स क्लियर। ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मैंने आपके लिए लिखा है इसलिए क्योंकि आप इन्हीं 3 पॉइंट के वजह से मार्केट से पैसा लूज करते हो, ये बिगेस्ट मिस्टेक होता है। पहला क्या, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। भाई समझ लो, अगर मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे, भूल जाओ लाइफ में पैसा कमाओगे। जितने बड़े बड़े मार्केट में जो रियल पैसा कमाते हैं, मैं उन यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आके ज्ञान देते हैं, कोई ट्रेड नहीं करते, बट आके आपको पता है कि सिर्फ ज्ञान देते हैं, दे आर यूट्यूबर्स, वी आर नॉट यूट्यूबर्स, वी आर अ रियल ट्रेडर, और प्रूफ 10 से 12 स्ट्रेटेजी दी है प्लस लाइव लेजर आपको दिखाया, राइट। तो मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेज के बिना आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना सकते, ये समझ लो। और SRM स्ट्रेटेजी यूट्यूब में डालना, SRM किंग रिसर्च, वो मैंने दी है उसके बेस पे है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ हंटिंग, प्योर गेम ऑफ, भाई
क्रिकेट मैच होता है, ठीक है सर, 50 ओवर का मैच, T20 और 5 दिन का मैच, राइट? तो T20 खेल रहे हो बॉस, हर बॉल इंपॉर्टेंट है, टेस्ट मैच की तरह T20 को नहीं खेल सकते आप। तो ये साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, और ये साइकोलॉजी मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं जो हमारे क्लास ज्वाइन करते हैं, जो हमारा क्लास अटेंड कर रहा है उसको पता है साइकोलॉजी क्या, ऑपरेटर गेम साइकोलॉजी होती है। एनीवे वो बड़ा टॉपिक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हंटिंग करनी है बॉस, हर बॉल पे छक्के छक्के लगाना है, मार्केट खुलते ही साथ कौन सा स्टॉक सिलेक्शन किया जाए, कितने रिस्क पे ट्रेड करना है, कितना कैपिटल का कितना एलोकेशन देना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आई एम गोइंग टू टीच इन दिस क्लास। कंट्रोल ऑफ इमोशंस इन जस्ट लाइक मास्टरी इन स्विमिंग, इस मेथड से आपका जो इमोशंस है वो बिल्कुल खत्म कर दूंगा। क्या स्टॉप लॉस लगाऊं, क्या टारगेट लगाऊं, बुक कर लूं क्या, 2000 पे निकल जाऊं क्या, 4000 पे निकल जाऊं, चल पूरा इमोशन खत्म। ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लगाएं, सिट रिलैक्स, ट्रेंडिंग गेम है, राइट? सो रूल ऑफ बाय एंड सेल एंट्री विद द हेल्प ऑफ कैमरिला पिवट पॉइंट्स। आप देखिए गाइस, आपके सामने है पीपीटी, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको बड़ा बड़ा दिखे और क्लैरिटी मिले, ठीक है? रूल्स ऑफ बाय एंड सेल एंट्री, पहला कंडीशन समझ लेंगे, क्या पहला कंडीशन है। टुडेस कैमरिला H3, मेरे भाई कैमरिला में क्या होता है, H3 होता है, S3 होता है, ध्यान से समझना, H3, H1, H2, S3, H3, H4, H5, यानी कि ऊपर 5 लेवल्स होते हैं, नीचे L1, L2, L3, L4, L5, नीचे 5 लेवल्स होते हैं, और बीच में पिवट पॉइंट्स है, तो पिवट एक बीच में रहता है। टोटल 11 लेवल्स निकल के आते हैं, 5, 5 और 1, टोटल 11 लेवल्स निकल के आते हैं, और बहुत सिंपल है कैमरिला, कैमरे का कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा भाई, लंबा वीडियो हो जाएगा, एक बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूं, हाई लो क्लोज प्लस कर दो, उसके रेशो से आपको निकलता है, यूट्यूब में मार देना, आपको आ जाएगा, ठीक है? तो यहां पे जो मेरी कंडीशंस हैं, दैट कंडीशन इफ मैच देन ओनली थिंक फॉर द बाय और सेल। तो बाय सेल बाद की बात है, पहले कंडीशन समझ लो, H3 यानी कि H3 और L3 शुड बी प्री यस्टरडे का, यानी कि प्रीवियस डे का, H3 L3 शुड बी स्मॉलर देन यस्टरडेज H3 L3, ठीक है? यानी कि आज का छोटा होगा कल से, कल का बड़ा है, आज छोटा बनना चाहिए, अगर छोटा बनेगा तब हमें उन स्टॉक्स को स्टॉक सिलेक्शन में लेना है, वो हमारा पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन होगा, ठीक है? और कीप ईगल आई ऑन H4 L4, इसके ऊपर का लेवल, H4 और L4 नीचे का लेवल, इसके नीचे का लेवल इस आई पे रखना है, जब इसमें ब्रेकआउट होगा तब हमें काम करना है, अगर H4 के ऊपर हो रहा है बाई करेंगे, L4 के नीचे हो रहा है सेल करेंगे, सिंपल। आओ आओ मेरे बड़े भाई, गूज़बम्प आएगा ना, गूज़बम्प आए तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं मजा आया कि नहीं आया। एनीवे मेरा काम है सर आपको अच्छी चीज देना, लेके जाओ। रूल्स फॉर बाई एंट्री एंड सेल एंट्री, टूडेज कैमरिला H3 L3 इट शुड बी स्मॉलर देन यस्टरडेज H3 L3, पूरा गेम H3 L3 मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आगे जाके देखना भाई, पीछे बैकवर्ड पे जाके पीछे जाके देख लेना, ठीक है? तो H3 L3 पुराना से आज छोटा होगा, जैसे ही छोटा होगा गो फॉर बूम। बाय सेटअप क्या होगा, इफ 5 मिनट्स कैंडल, ध्यान से समझना, 5 मिनट का कैंडल का गेम है, 5 मिनट्स का कैंडल लेना है, इफ 5 मिनट कैंडल शुड क्लोज अबव H4, यानी कि S4 कह लो आप अपनी लैंग्वेज में, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खींचते हो ना, R1, R2, R3, S1, S2, S3, यहां पे वही R1 की जगह H1 है, R2 की जगह H2 है, R3 की जगह S3 है, करेक्ट, क्लियर है? H4, H5, तो वही H4 के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग बेसिस पे उस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाई करना है। सिमिलरली सेल केस में S कौन सा, कमॉन गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट, कौन सा, आई एम वेटिंग, सेल करना है तो क्या, किसके नीचे,
L4 के नीचे देख लो यार, बिलो L4 देन सन ओनली व्हेन क्लोजिंग कैंडल ब्रेक्स लो, ठीक है, विद SL L3 और ऊपर का H3 मेरे भाई, ठीक है, स्ट्रिक्टली SL यूनिट टू फॉलो। अब आ जाओ मेरे बड़े भाई, मैं आपको ले चलता हूं बैक टेस्ट में, एक नहीं दो नहीं, कल, आज सैटरडे को वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए 29 तारीख को, कल 28 तारीख को क्या क्या ट्रेड मिले थे आपके सामने, आपके आंखों के सामने, देर इज नो हिडन फॉर्मूला, मैं एक फटाफट बैक टेस्ट कर लेते हैं, पहले मैंने कुछ नोट किए वो देख लेते हैं, उसके बाद आपके स्टॉक्स पे भी आ जाऊंगा, आ जाओ, आप समझना ध्यान से, थोड़ा वीडियो बनेगा लंबा भाई, प्लीज समझो, शॉर्टकट में शॉर्टकट हो जाती है लाइव, और पैसे भी शॉर्टकट ही बनते हैं, तो अपन अच्छे से मोटा पैसा बनाना है तो ध्यान से समझना। सो गाइस, ये येलो लाइन, ये रेड लाइन, ठीक है, ये एमी ब्रोकर का AFL है, एमी ब्रोकर का कैमरेला का मैंने AFL बनाया, अगर आप लोगों को चाहिए, नो नीड टू वरी अबाउट इट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो लिंक, उस लिंक पे बेसिस पे आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने एमी ब्रोकर में वो AFL को इंस्टॉल करके आप अप्लाई कर सकते हो, तो नो टेंशन, किसी को पैसा नहीं देना भाई, मैं आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो येलो वाली लाइन है ये एक लाइन, और रेड वाली लाइन एक लाइन, ठीक है, ये क्या हो गई, एच, क्या है ये एच थ्री, और ये क्या है एल थ्री, और आज का एच थ्री हाई थ्री, और ये एल थ्री, करेक्ट, ये लाइन, ये लाइन, और इसके ऊपर क्या आ गया एच फोर, और नीचे क्या आ गया ये वाली लाइन एल फोर, राइट, सिमिलरली ये वाली लाइन एच फोर, और ये वाली लाइन, सॉरी, ये वाली लाइन एल फोर, ठीक है, ये भी क्लियर, बिल्कुल मैंने बना के दिया हुआ है, आप एज इट इज यूज कर लेना, बाकी ट्रेडिंग व्यूज का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था मेरे बड़े भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, प्रीवियस डे का एच थ्री एल थ्री, इसके बीच में देखो एल थ्री इसके बीच में बनाए, ये देखो इसके बीच में, और ये वाला लाइन से नीचे बनाया है, ये वाला लाइन से, ये भी देखो, पहला बड़ा फिर आज का छोटा, आ गया ना, पहले 5 मिनट में पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, पता चल गया। अब आपको जब ये एच फोर ब्रेक करेगा बाई करने का सोचना है, और जब ये एल फोर ब्रेक करेगा सेल करने का सोचना है, ये भी क्लियर। अब जैसे अब देखो सर, यहां पे देखो ध्यान से, ये देखो इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होना मांगता है, अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं किया तो उसको वैलिड नहीं है पॉइंट, अगर ये ब्रेक करके क्लोज हो गया स्पाइक से मुझे मतलब नहीं है, अगर कैंडल यहां पे क्लोज हो गया, देखो इसके नीचे क्लोज हो गया, अब इसी कैंडल के लो के नीचे हम सेल करेंगे, क्लोज होने के बाद लो, मान लो अगर यहां पे एक स्पाइक बना होता तो इस लो के नीचे आपको सेल करना है, स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो दिस रूल, विद स्टॉप लॉस L3, इसके ऊपर का आपको SL लगाना है एंड गो फॉर द ट्रेड। अब आप देखो इसमें 184 और 183 कितने पॉइंट का SL है मेरे बड़े भाई, 1 रुपीज का SL, ओनली 1 रुपीज का SL, और देखो 183.80 से 182 से भी नीचे 182 भाई, ऑलमोस्ट 2 रुपए मिला है, 1 रुपए के एसएल में 2 रुपए, 1:2 का रेस्ट रिवॉर्ड रेशो मिला है, और एक रूल और है इसके अंदर, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, स्टे कनेक्ट विद अस, स्टे ट्यून विद अस, ठीक है। ये देखो यस्टरडे का L3, एनीवे भाई एक और देख लो चार्ट आपके सामने है, गोदरेज इंडस्ट्रीज का आप खुद जाके चेक करना बॉस, ये देखो एक लेवल प्रीवियस डे का, ये देखो H3 L3, अब इसके अंदर में है या बिल्कुल बराबर है, ठीक है, और देखो ये इसके अंदर आ गया बाय या सेल करने का सोचना था भाई, इसके ऊपर देखो क्लोजिंग हुई 5555, यानी कि 20 मिनट में ही आपको पता चल गया इसमें ट्रेड करना है, आपने यहां पे इसके क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना था, एग्जीक्यूट हो गया, इसमें आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना था बॉस, ये आपको स्टॉप लॉस लगाना था, अब आप देखो 2 रुपीज स्टॉप लॉस, ओनली 2 रुपीज स्टॉप लॉस, लुक एट दिस स्टॉप लॉस, इट बुक योर लॉस, नो नीड टू वरी अबाउट इट,
नहीं हिट, बैंग ऑन ट्रेंडिंग गेम खेलेंगे। हम कहते हैं ना सर अपने स्टूडेंट से और जो हमारे प्रॉपर फॉलो करते हैं, थिंक लाइक अ बिग शार्क, डोंट थिंक लाइक अ रिटेलर। जहां आपको एक दो रुपए मिलते हैं आप तुरंत बुक कर लेते हो, भाई एक दो रुपए तो हम स्टॉप लॉस लेते हैं। टारगेट हमेशा बड़ा रखना है आपको लाइफ में, टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। बड़ा सोचोगे तो ही बढ़िया मिलेगा। इसलिए मैं क्लास लेता हूं, साइकोलॉजी समझाता हूं किस तरह से एक बड़ा ऑपरेटर मार्केट में ट्रेड करता है बड़े गेम खेलने के लिए। एनीवे, देखो भाई साहब, सॉरी एंट्री आपका इसके हाई के ऊपर है तो ये कैलकुलेट करेंगे ना कि ये वाला करेंगे, ठीक है। 42 चार रुपए के एसएल के साथ आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 452 का हाई बनाया यानी कि 10 रुपए की मूवमेंट है, ऑलमोस्ट 2.5% मार्केट अप। ओके, आप यहां पे रिजल्ट देख लीजिए, कहां पे बुक करना है, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा लास्ट में। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। ये देखो बॉस, क्या इसमें आया, आईआरबी में आया, देखो ये एक और एक ये, इसके बीच में तो आया, स्टॉक सिलेक्शन तो करना था, लेकिन पहला कैंडल देखो H4 के ऊपर गया, इसके हाई के ऊपर बाई करना था, स्टॉक गया ही नहीं तो नो एंट्री छोड़ दिया। अब ये देखो भाई, ये भी आया, इसके अंदर में रेंज में है, ये H4 है, सॉरी H3 L3 इसके बीच में, प्रीवियस डे के कहीं एंट्री मिली, लो भी नहीं हाई भी नहीं, छोड़ दो। इंफ्राटेल देखो बॉस, अब आप बोलोगे सर आपने तो चुन के लिया है, ओपन चैलेंज कर रहा हूं मेरे बड़े भाई, लगाओ अपने हिसाब से, बताओ कल क्या क्या आया, कमेंट सेक्शन में लिखो, होने के बाद बैक टेस्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखो, जिससे हमें जो नए फॉलोअर्स हैं उनको समझ में आए कि हाँ यार अगर आप पॉजिटिव लोग 1000 लोग इसके नीचे कमेंट लिखेंगे ना सर, तो सर जो नया बंदा आ रहा है जो इधर उधर बेचारा परेशान हो रहा है, लूट रहे हैं लोग, कम से कम बच जाएगा नहीं जाएगा, तो एक रिव्यू बनता है नहीं बनता आपका। प्लीज गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो ठीक है, और देखो कितने पॉइंट्स, 214 के आसपास का हाई है, बाई एंट्री 202 और भाई 12 पॉइंट 6% अगेन इंफ्राटेल, बाय एंड सेल रिलैक्स। ये देखो भाई ठीक है, ये देखो भाई आपके सामने आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, नैरो रेंज बनाया पिछले से और देखो ब्रेकआउट हुआ, काम करो। ये देखो भाई नैरो रेंज बनाया, नीचे ब्रेकआउट हुआ, यहां पे आपने एंट्री मारी, देखो भाई खुद चेक करो, मेरे कहने पे क्यों, खुद अपने पास आपके पास दिमाग है, स्ट्रेटेजी आप खुद चेक कर सकते हो। एसएल देखो यहां पे आपका स्ट्रिक्टली एसएल पता चल गया। ये देखो क्या इस पे ट्रेड करना है, पहला कैंडल का हाई टूटेगा तभी ट्रेड करना है, नहीं टूटा नहीं करेंगे काम, इस पे करना है टूटा ही नहीं भैया, काम ही नहीं करेंगे, कंडीशन आया लेकिन टूटा ही नहीं तो काम कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये देखो क्या इस पे ट्रेड करेंगे, किस टाइम के बाद नहीं ट्रेड करना है लास्ट में बताऊंगा, क्या इसमें ट्रेड, ओए होए कैन बैंक आपका फेवरेट। अच्छा इस कैंडल भाई, इस चार्ट को ध्यान से समझना, इसके अंदर एक और लॉजिक है, इसका मैं फुल वर्जन आपको दूंगा लेकिन छोटा सा मैं एक लेके आया हूँ ट्रेलर आपके लिए, जिससे कि आपको समझ में आए। मेरे बड़े भाई ध्यान से देखना, ये येलो लाइन और ये रेड लाइन यानी कि H3 और L3 ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, इसके बीच में आया बराबर, इसके अगले दिन बीच में आया तो हमें ब्रेकआउट पे बाई करना था। अब देखो यहां पे ब्रेकआउट तो हुआ, यही है ना ग्रीन कलर की देखो डॉट डॉट वाली यानी कि H4 यही है ना बॉस। अब यहां पे ब्रेकआउट तो हुआ, थोड़ा सा मैं खिचड़ी अपनी हटा देता हूं, सॉरी ब्रेकआउट हुआ लेकिन एंट्री नहीं मिली, हाई के ऊपर गया नहीं, तो ये अगले दिन के लिए भी वैलिड होता है, ये पॉइंट अगले दिन के लिए भी वैलिड होता है भाई, यानी कि एक दिन पहले और स्टॉक सिलेक्शन मिल गया, तो जो जो कल अगर नहीं एंट्री मतलब ब्रेकआउट हुआ बट एंट्री नहीं मिली तो उस लेवल को मार्क करो नेक्स्ट डे के लिए, वो नेक्स्ट डे काम करेगा। और देखो हमारी वैसे ये कंडीशन जो है, ये येलो लाइन थी नीचे आया बट ये जो रेड लाइन थी ये भी नीचे आ गई, स्टॉक सिलेक्शन तो नहीं बनता है लेकिन इसके बेसिस पे, इसी हाई के बेसिस पे मैं ट्रेड कर सकता हूं। और देखो इसका पावरफुल सेटअप दूंगा बट माइंड में रखो सर, खुद भी बैक टेस्ट करो, मजा आएगा आपको। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रखा है जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, आप लोग इस बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो, एक दिन पहले स्टॉक सिलेक्शन मिलता है, सेम डे नहीं एक दिन पहले मिल जाएगा हमें। चलो एनीवे
सर इट्स अ गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप भी स्ट्रेटेजी बनाते हो, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है सर, मेहनत करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है सिस्टम में, अपने आप स्ट्रेटेजी बन के आती है, ऑब्जर्वेशन और गेम है पूरा का पूरा। ये देखो भाई, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आपको कहाँ ट्रेड करना था, बिंदास ट्रेड, मिला है नहीं मिला है, देखो ठीक। और ये वाला 28 का था, और ये भी 27 तारीख का बता रहा हूँ, देखो इस दिन तो नहीं आया, पिछले दिन आया था, देखो है ना येलो लाइन। अच्छा कहेंगे कि ये येलो लाइन बराबर हुआ तो सर कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तो है ना, ये रेड लाइन था इसके ऊपर आया, यानी कि L3 आज का ऊपर है, बट ये ऑलमोस्ट बराबर है, चलेगा, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, इसके कैंडल के हाई के ऊपर बाई करना था, रॉकेट अप, कैलकुलेशन खुद कर लेना भाई। ये देखो इसके लो के नीचे सेल करना था, कहाँ पे ट्रेड आया आपको, इस जगह पे ट्रेड आया, और ये आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है, L4 के नीचे ट्रेड करना है और L3 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और देख लो भाई, कैलकुलेट योर सेल्फ यार, कितना छोटा है स्टॉप लॉस, कैलकुलेट योर सेल्फ, कैलकुलेट योर सेल्फ। ये देख लो भाई, ये सारे टॉप परफॉर्मर हैं, जरा चेक करना कल 27 तारीख को कौन कौन से टॉप परफॉर्मर है, आपको समझ में आ जाएगा। छोड़ो 28 तारीख का चेक कर लो, टॉप परफॉर्मर देख लो हमारा स्टॉक उसके अंदर आया कि नहीं, NMDC आया है, कैन बैंक आया है, बॉस कहां हो, सीखने का सोचो। देखो बॉस थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मैं थोड़ा भगा रहा हूं भाई, ये देखो देखो इसमें आया क्या बताओ, कंडीशन फुलफिल हो रही है, कितना सॉलिड है कंडीशन फुलफिल, ये देखो ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल, ब्रेकआउट बाय किया, डिंकचका सर मजा आ रहा है। ये देखो बॉस SBI लाइफ, लुक एट दिस ब्यूटी, 25 तारीख का है, लुक एट दिस ब्यूटी, जुबिलेंट फूड उस दिन टॉप गेनर था मेरे बड़े भाई, टॉप गेनर था बड़े भाई, टॉप गेनर था टाटा मोटर्स, ब्यूटी लुक एट दिस, 24 तारीख का, 24 तारीख का डॉक्टर रेडी, लुक एट दिस ब्यूटी, कंडीशन फुलफिल, सेकेंड L4 H4 एंट्री पॉइंट, लुक एट दिस ब्यूटी DLF, लुक एट दिस ब्यूटी बजाज फिनसेबर, पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, अपने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दे रही है। मैं चाहता हूं आप लोग भी अगर पैसा बना रहे हो मेरे को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो, व्हाट्सएप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, पैसा बनाओ और मेरे को स्क्रीनशॉट दो, दुनिया को दिखाएंगे आपका स्क्रीनशॉट कि भैया आप भी पैसा बना रहे हो, दुनिया बना रही आप भी बना रहे हो, यही हमारा मोटो है, ठीक है। अब सो चलिए देखते हैं ट्रेडिंग व्यूज पे आइए, NMDC है ना। अब ये देखो सर मैंने आपको दिया है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, AFL चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया कैसे लगाते हैं। ये R3 था S3 था, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा R3 S3 होना चाहिए जो आज का है, सुबह 5 मिनट में आपको देखना है, क्योंकि 9:15 से 9:20 के अंदर आपको ये स्टॉक सिलेक्शन ढूंढना है कि कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर ये आए हैं, मतलब पहला और छोटा जो बनाए, नैरो जोन जो बनाए, ठीक है। अब R4 के ऊपर आपको एंट्री मारनी है, देखो इसने R4 के ऊपर ही खोला है आज, 103.60 पे आपने एंट्री मारी, मेड हाई 103.60 कैलकुलेट हाउ मच प्रॉफिट यू आर गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक मॉर्निंग में बॉस। और आप बोलते हो ना सर आप कैसे कॉस्ट देते हो, पूरा जुलाई मंथ आपका ग्रीन है, स्ट्रैटेजी इज योर्स, सीखो यार सीखो, पैसा बनेगा। और आप यहां पे एड सिंबल डालो और अपने हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करो और दुनिया को बताओ कैसी है स्ट्रेटेजी, पावरफुल है लिख के बताओ जिससे कि लोगों को समझ में आए, ठीक है। आवर मोटो लर्न एंड देन अर्न, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइस, ये स्ट्रेटेजी आपको दी है जिससे कि आप पहले इसको अच्छे से बैक टेस्ट कर लो, अच्छे से देख लो, उसके बाद इस पे से पैसा बनेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ सीखने का सोचो, बिना एजुकेशन लिए बिना एजुकेट किए अपने आप को आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हो। और थिंक लाइक अ बिग शार्क, हमेशा बड़े टारगेट से सोचो, छोटा स्टॉप लॉस छोड़ो, आप
यूट्यूबर किसी को भी खोल लो, देखो कितने यूट्यूबर्स आपको बनाते हैं। क्या बुद्धू सर, 50-50 हज़ार क्वांटिटी मारते हैं, 2 रुपए पे निकल जाते हैं, 1 लाख का प्रॉफिट दिखाते हैं, बोलते हैं देखो हमने 1 लाख रुपए कमाए। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जिस दिन लॉस होता है क्या उस दिन डालते हैं वीडियो? नहीं डालते हैं। जिस दिन प्रॉफिट होता है सिर्फ उस दिन डालते हैं। और मैंने लाइव लेजर 2-3-4 महीने का लाइव लेजर दिखाया है M2M के साथ। सो गाइस 14 सितंबर को रेडी हो जाइए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ऑपरेटर का गेम सीखना है, ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझनी है, बड़े टारगेट्स कैसे निकाले जाते हैं सीखना है, प्योर प्राइस एक्शन के माध्यम से आपका मोस्ट वेलकम है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेशन में। 10 दिन की क्लास होती है, रात को 9 बजे से 10:30-11 बजे की क्लास रहती है। नाउ दो ही तरीका है, वॉरेन बफे के दो ही तरीके हैं पैसा कमाने के, लो पे बाई करो, टॉप पे सेल करो, और एल्स buy low sell high, sell high buy low, ये आपके लिखा है, right? Thank you so much, thank you again for watching us, इसी तरह से प्यार देते रहिए। अब हमारा टारगेट है इस वीडियो में कम से कम, नहीं तो सर मिनिमम आई नीड 5,000 से ज्यादा का प्यार चाहिए। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्द मिलता हूं नए स्ट्रैटेजी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए थॉट प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अपना ध्यान रखिए, कोरोना टाइम है सर, घर पे ही रहिए, जब तक इमरजेंसी ना हो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अच्छा खाइए और मौज करिए। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू ऑल।